तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं। मतलब दोस्तों आप तो थंबनेल और जो है टाइटल से मतलब देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग बातें करेंगे कि भाई एक मिस कॉल का वजह से आपको जो है 500 से 1000 रुपये का चूना लग सकता है। हाँ दोस्तों ये सही बात है, सच है। आजकल आदमी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे बंदे इसका शिकार हो चुका है। ये जो स्कैम है इसका शिकार बहुत सारे बंदे हो चुका है। इसीलिए मैं सोचा कि भाई ये सारे चीज़ को लेकर के एक वीडियो आपको मैं बना दूँ ताकि दोस्तों आप जो है वीडियो को देख करके सावधान हो जाए। मतलब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि जो स्कैम है कैसे हो रहा है, कैसे एक मिस कॉल की वजह से किसी भी इंसान का मतलब मोबाइल से 500 या 1000 रुपये गायब हो जा रहा है, और कैसे जो है ये स्कैम किया जा रहा है, और इसे कैसे बचे। दोस्तों सारे के सारे चीज़ के बारे में वीडियो हम लोग बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। मैंने कहा कि आप जो बड़े आराम से जान पाएंगे कि एक मिस कॉल की वजह से कैसे आपका मोबाइल से 500 1000 रुपये तक गायब हो सकता है, और कैसे जो इसका मतलब ये जो स्कैम करा जा रहा है और कैसे स्कैम से बचे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे तो आपको जो सारी चीज़ बड़े समझ में आ जाएगा। दोस्तों ऐसे में आपको अगर हर एक मिस कॉल में बैक कॉल करने का आदत है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों कोई भी नंबर से मिस कॉल आ गया और उस नंबर को ना देख करके बढ़िया से नंबर के बारे में पता ना करके आप अगर उस नंबर में फ़ोन लगा देंगे तो दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि आपका मोबाइल से 500 या 1000 रुपये तक जो है गायब हो सकता है, काट सकता है। दोस्तों हो कुछ इस प्रकार का रहा है कि मान के चलिए कि रात के 12 या 1 बजे या 2-3 बजे मतलब रात के समय आपके मोबाइल पर एक मिस कॉल आएगा। तो उस समय आप सोए रहेंगे तो आपको सब फोन को जो नहीं देखेंगे, लेकिन सुबह में उठ कर जब भी आप उस नंबर को देखेंगे अपने मोबाइल में कि भाई ये नंबर से मिस कॉल आया है, तो आप क्या करेंगे भाई उस नंबर पर फ़ोन लगा देंगे। तो जैसे आप फ़ोन लगाएंगे ना तो रिसीव तुरंत हो जाएगा, एकदम सेकंड के अंदर रिसीव हो जाएगा। और रिसीव होने के बाद आप इधर से हेलो हेलो बोलेंगे, लेकिन उधर से कुछ आवाज़ वगैरह आएगा नहीं। आप खाली हेलो हेलो बोलते रहेंगे, आपको लगेगा कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब उससे बात करने के लिए आप हेलो हेलो बोलते रहेंगे, भाई किसका नंबर है, क्या है, कहा है मिस कॉल मारता, आप उसको बोलते रहेंगे, लेकिन आपको जो दोस्तों उधर से कुछ आवाज़ नहीं आएगा, या पुट पुट टाइप का जो होता है ना बीप बीप कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगा। और जब तक आप उसको हेलो हेलो बोलते रहेंगे तब तक आपका मोबाइल का 500 या 1000 रुपये तक गोल हो सकता है, काट सकता है। और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे बंदे ऐसे होता है कि भाई एक बार फ़ोन लगा दिए बात नहीं हो रहा है, मतलब मिस कॉल आया, फ़ोन लगाए, बैक कॉल किए, बात नहीं हो रहा है, तो काट के फिर दोबारा लगाएंगे। तो जैसे आप मतलब शुरू भर बात नहीं हुआ, फिर आप काट के दोबारा जैसे ही लगाएंगे दोस्तों और ज़्यादा पैसा काटेगा। मतलब दोस्तों उस नंबर पे आप जितना देर तक बातें करेंगे या जितना बार फोन लगाएंगे उतना जैसे पैसा आपका मोबाइल से काटते जाएगा। दोस्तों ये आखिर होता कैसे है, मतलब एक मिस कॉल आया उस पर हम फोन लगाए तो फोन लगाने के साथ साथ जो है पैसा काटते जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा काट रहा है, ये आखिर हो कैसे रहा है। पैसा तो नॉर्मल कॉल में तो भाई आजकल तो फ्री है, तो इसे मतलब लेकिन इतना ज़्यादा पैसा कैसे काट रहा है, इतना ज़्यादा पैसा गोल कैसे हो रहा है, और कैसे मतलब ये स्कैम हो रहा है, इसे कैसे बचा जा सकता है, दोस्तों उसी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि विदेश में मतलब जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, या दूसरा कोई कंट्री हो गया जहाँ पर एक स्कैम चलाया जाता है जिसका नाम है एडल्ट हॉटलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस। हाँ दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप जो यहाँ पे फ़ोन करके कोई भी लड़की से जो है मतलब यहाँ पे जो लड़के लोग रहता है, ये जो सर्विस है, ये जो लड़के लोग रहता है उन लोग से आप फ़ोन करके कुछ भी बातें कर सकते हैं, गंदा उल्टा सीधा मतलब जो होता है ना हॉट टक वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उससे मतलब फ़ोन में बातें कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और उन लोग भी जो आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स देगा। और वहाँ पर क्या होता है दोस्तों जो कॉल चार्ज होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब दोस्तों आप जिसके बारे में सुने होंगे कि भाई लड़के लोग से बातें करिए, मतलब कुछ भी बोलिए उसको, मतलब हॉट टॉक मतलब मन में जो आए कुछ भी बक दीजिए उसको, आपको जब उस टाइप का मतलब वो भी जो आपसे उसी तरह बात करेगा, मतलब जो होता है ना हॉट टॉक टाइप का, समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहे हैं, मुझे भी देख आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस टाइप का दोस्तों ये जो एंटरटेनमेंट सर्विस है वहाँ चलाया जाता है, मतलब एडल्ट हॉटलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस जो है इस टाइप का विदेश में चलाया जाता है। तो वहाँ पे जो मतलब नंबर होता है, जो फ़ोन नंबर होता है ना, उसमें जो है कॉल चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्मल कॉल से वहाँ पे जो है आपको 10 गुना या 15 गुना या उससे ज़्यादा हुआ कॉल चार्ज काटा जाता है। और मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ का जो कॉल चार्ज है ना वो जो है मतलब 40-50 रुपये से भी ऊपर होगा, क्योंकि दोस्तों एक तो ISD नंबर हो गया मतलब विदेश का नंबर हो गया, तो ऐसे में तो कॉल चार्ज ज़्यादा ही होगा, और साथ में जो है इस टाइप का मतलब एडल्ट हॉटलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस का जो नंबर है इसका कॉल चार्ज ऐसे और भी ज़्यादा रहता है। मतलब कुल मिला के यहाँ का जो मतलब वो जो नंबर है ना उसका जो कॉल चार्ज है ना तो वो मेरे ख्याल से 50-60 रुपये से भी ऊपर होगा। और दोस्तों मजे के बात तो ये है कि ये जो सर्विस है ना यहाँ पे जैसे आप बात कर रहे हो लड़की समझ के, हो सकता है कि लड़की ना हो, मतलब वहाँ पे कुछ वहाँ पे कोई मतलब लड़का बैठा वो जो है लड़की का आवाज़ निकल के आपसे बातें कर रहा है, आपको बहला फुसला रहा है, आपसे हॉट टक कर रहा है, आप जो उससे बातें करे जा रहे हैं और आपका मोबाइल से पैसा काटते जा रहा है। दोस्तों इस टाइप का भी होता है, मतलब वह जो बैठा हुआ रहता है ना वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि लड़के लोग होते नहीं, लड़का लोग होता है जो आपको बहला फुसला रहा होता है, आपका जो पैसा है ना उसको लूटने का चक्कर में इस टाइप का स्कैम दोस्तों चला जाता है। मतलब दोस्तों हो कुछ इस प्रकार का रहा है कि भाई ये जो एडल्ट हॉटलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस है ऐसे आपको जो है मिस कॉल आता है, आप उस नंबर जैसे मिस कॉल देके फोन करते तो आपका मोबाइल से धड़ाधड़ पैसा कटना चालू। आप बहुत कोई बोलेंगे कि भाई मेरा मोबाइल तो मेन बैलेंस रहता ही नहीं है,
मेरे से पैसा कहाँ से काटेगा। मतलब हम तो जो फ्री वाला होता है ना, जैसे जियो का होता है 149 या 159 वाला होता है, उसको डला लेते हैं, मतलब खाली हमको अनलिमिटेड बातें मिलता है, तो इसमें तो मेन बैलेंस चाहिए रहता है ना, तो मेन बैलेंस नहीं रहेगा तो काटेगा कहाँ से। आप सही बोल रहे हैं, आपका दिमाग में अगर ये सवाल है तो सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिए कि जियो में भी जो आजकल मेन बैलेंस रहना जरूरी हो गया। मतलब आपका जो पहले मिलता था 149 का रिचार्ज, वो अभी हो गया 159 का। मतलब दोस्तों जो आपको 7 रुपये 8 रुपये मेन बैलेंस आपको मिल रहा है, यार जरूरी है, क्योंकि आप अगर आइडिया, एयरटेल, मतलब जियो के अलावा दूसरा नेटवर्क में फ़ोन कर रहे हैं, तो आपको जो है मेन बैलेंस होना जरूरी रहता है। 60 पैसा जो है जियो चार्ज करता है दूसरा कंपनी को फोन अगर करेंगे तो, मतलब मेन बैलेंस ही आपको रहना जरूरी हो गया। और उसके बाद दोस्तों जो आइडिया, वोडा या एयरटेल है, इसमें भी जो आपको मेन बैलेंस रहना जरूरी हो जाता है। मतलब दोस्तों आप अगर सिम को रख दिए हैं, ताकि सिम बंद ना हो जाए बोल के सिम को अगर रख दिए है, तो ऐसे में आपका मोबाइल में भी जो मेन बैलेंस रहना जरूरी है, नहीं तो आपका मोबाइल में जो आउट गोइंग इनकमिंग पूरा बंद हो जाएगा। इसीलिए जो है मतलब अब आजकल ऐसा नियम हो गया कि सारे मोबाइल में चाहे जियो हो चाहे एयरटेल वोडा कोई भी कंपनी का फोन, उसमें मेन बैलेंस रहना जरूरी है। मतलब आप अगर आइडिया का सिम को बंद ना हो जाए बोल के ऐसे ही खाली रख दिए हो, तो उसमें आपको मेन बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो जो आपका सिम में आउटगोइंग इनकमिंग मतलब सारी चीज बंद हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि आजकल सब सबका मोबाइल में मेल बैलेंस होना जरूरी हो गया, जियो में भी और आइडिया बोर्डर सब में भी। तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका मोबाइल में 5-10 रुपया जो भी है मेन बैलेंस है, तो ऐसे में आप इस नंबर से अगर आपको कॉल आ गया, आप अगर फोन कर दिए, तो भाई आपका मोबाइल में जितना पैसा था वो तो गया, वो तो तुरंत काट जाएगा। तो ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ मतलब एक बात और निकल के आता है कि भाई अगर मेन बैलेंस है तो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये है, तो 500-600 रुपये कैसे काटेगा। हाँ दोस्तों काटता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मतलब सारी चीज़ बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा किसका काटता है। दोस्तों जिनका प्रीपेड नहीं, जिनका पोस्टपेड नंबर है, उनको जो है इतना पैसा काट जाता है, क्योंकि उनको तो भाई महीना के बाद जाकर बिल आता है ना, उनको तो पता नहीं चल रहा है। मतलब जैसे आपका मोबाइल में अगर 10 रुपये मेन बैलेंस है, तब तो बात करेंगे तो 1 मिनट में 10 रुपये मतलब जो भी काटना है काट गया, आपका मोबाइल में बैलेंस खत्म, तो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग पोस्टपेड है, जो लोग महीने के बाद में जाकर पैसा देता है, उनको तो मतलब ऐसा नहीं है, उन कहीं भी बात करेंगे एकदम महीने के लास्ट में जाकर बिल जोड़ के आएगा। मतलब कहीं भी बात करेंगे, जब मतलब वो कितना भी देर तक बात कर ले, मतलब कॉल जो है डिस्कनेक्ट नहीं होगा जब तक वो खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों उन लोगों को जो है इस टाइप का हो रहा है, 500-1000 रुपये तक बिल भर के आ रहा है, मतलब फ़ोन लगा दिए, मतलब उनको तो बैलेंस का टेंशन नहीं है भाई, महीने का लास्ट में बिल आएगा है ना। पोस्टपेड वाले को तो हेलो 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 करे जा रहा है, भाई कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आया, फिर दोबारा फिर कॉल कर दिया, भाई कौन है पता नहीं क्यों बातें नहीं हो रहा है, तो इससे फिर बातें करने लगे, फिर दोस्तों और बिल चढ़ते गए, इसमें 500-1000 रुपये तक भी जो है बिल आ जाता है। इस टाइप का दोस्तों कुछ स्कैम आजकल मार्केट में हो रहा है। मतलब दोस्तों ज़्यादा खतरा जो है पोस्टपेड वालों का है, क्योंकि प्रीपेड वाले को तो भाई वही 10-20-30 रुपये जो भी मेन बैलेंस है उतना है, मतलब सिमट गया। लेकिन जो पोस्टपेड वाले हैं उनको क्या है कि उनको अगर जानकारी नहीं है तो उनको जो है पैसा काटते जाएगा, मतलब बिल चढ़ते जाएगा, और लास्ट में जब वो महीना के अंत में जब बिल देखेगा, वो बोलेगा भाई इतना पैसा बिल कहाँ से आ गया, तब उनको समझ में आएगा भाई आखिर ये इसका वजह से जो पैसा उनका काटा है। तो इसीलिए दोस्तों आपको मैं सावधान करने के वीडियो को बनाया हूँ कि भाई थोड़ा सा सावधान सतर्क होकर रहिएगा। तो ये बातें कर लेते हैं कि भाई इससे अगर बचा कैसे जाए, मतलब कैसे पता करें कि ये जो नंबर है, ये जो स्कैम वाला नंबर है, इसमें फ़ोन नहीं करना है। दोस्तों कोई भी मिस कॉल वाला नंबर से पहले अगर +92 या +375 इस टाइप का कुछ रहा, तो उस नंबर पे गलती से भी फ़ोन मत करिएगा। मतलब +92 या +375 ये अगर कोई भी नंबर से पहले रहा, कोई भी मतलब मिस कॉल वाला नंबर से पहले रहा, तो उस नंबर में फ़ोन बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ये जो है स्कैम वाला नंबर है। और कोई नंबर अगर आपको अजीब लगा, कोई नंबर अगर आपको अजीब दिखा, मतलब आपको अगर देख के लगा कि ये नंबर इंडिया का नहीं है, बाहर कंट्री का है, या नंबर जो है कुछ अजीब सा है, तो उस नंबर पे बिल्कुल ही बैक कॉल ना करें। मतलब दोस्तों हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी जो है इसका प्रचार कर रहा है कि भाई कोई भी मतलब मिस कॉल वाला नंबर से पहले, मतलब अगर +92 या +375 इस टाइप का कुछ रहा, मतलब कुछ उल्टा सीधा रहा, तो जो है उस नंबर पर बिल्कुल ही मतलब आपको बैक कॉल नहीं करना, नहीं तो आप जो है इस स्कैम का शिकार हो सकता है। दोस्तों आजकल ये हो रहा है, बहुत सारे बंदे के साथ हो चुका है। अब मान के चले भाई जिसका जानकारी नहीं, मान के चले कोई बुजुर्ग इंसान है जिनका उम्र थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो उनका मोबाइल में मान के चले कि जो भी 10-20 रुपये मेन बैलेंस है, उनको पता नहीं है, वो सुबह में उठ के देखते हैं कि उसका नंबर पर मिस कॉल है, तो उनको लगेगा भाई कोई रिश्तेदार होंगे या कोई और होंगे, उनको तो भाई उतना कुछ पता नहीं है। जैसे वो फ़ोन लगाएंगे तो उनका मोबाइल में जो भी मेन बैलेंस था वो कट जाएगा। अगर गलती से पोस्टपेड रहा तो भाई मत पूछो, तब तो गया हूँ, मतलब 400-500 का बिल एकदम मिनिमम आएगा। तो इस टाइप का जो दोस्तों स्कैम हो रहा है, तो आप जो सबको थोड़ा सावधान कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए सबके साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई इस टाइप का स्कैम जो आजकल हो रहा है। तो मिस कॉल अगर आया कोई नंबर से, मिस कॉल आ ही सकता है भाई, फ़ोन है तो मिस कॉल आ ही सकता है, लेकिन बैक कॉल करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि नंबर से पहले +92 या नंबर से पहले +375 तो नहीं है। ऐसे अगर रहा तो भाई
उस नंबर पे फोन जो है बिल्कुल ही नहीं करना है। तो दोस्तों ये सारे बातें आपसे करनी थी, मतलब इस टाइप का स्कैम जो है आजकल मार्केट में चल रहा है जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहेगा, थोड़ा सतर्क रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा, जो जानकारी है ये आपको अच्छा लगा। ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले का, ताकि जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो थोड़ा मतलब रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।